सब्सक्राइब करें श्री बुटीक को और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आप हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन पा सकें। नमस्कार दोस्तों, श्री बुटीक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बोट नेक वाली कुर्ती का एक बहुत ही सुंदर सा डिजाइन बनाना बताएंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो यहाँ पे मैंने कुर्ती कटिंग की हुई है, नीचे की साइड हमारी बैक साइड होगी और ऊपर की साइड हमारा यहाँ पे ये फ्रंट होगा। तो दोस्तों, डिजाइन बनाने के लिए जो हमने कपड़ा यूज करना है वो करना है ये वाला कपड़ा। ये हमारा प्लाजो का कपड़ा होगा, 2.25 मीटर हमारे पास ये फैब्रिक है जिसमें से हम डिजाइनिंग भी यहाँ पे तैयार करेंगे। और यहाँ पे मैंने एक ये पेपर फ्यूज ली हुई है, पेपर पेस्टिंग बोलते हैं जिसको, जिसकी चौड़ाई तकरीबन यहाँ पे होगी 12 इंच की चौड़ाई होगी। इसको हमें यहाँ पे इस प्रकार से फोल्ड करना होता है, इस तरीके से। और जो लंबाई रखेंगे दोस्तों, कम से कम हमारी इस पट्टी की लंबाई 36 होनी चाहिए। ये 39 की पट्टी है तो एक्स्ट्रा जो पीस होता है उसको काट देते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको 3 भाग में फोल्ड करेंगे इस प्रकार से। यहाँ पे हमने इसको 3 भाग में इस प्रकार फोल्ड कर लिया है। बंद वाला हिस्सा हमारी साइड होगा और ओपन वाला अपोजिट साइड होगा। इस तरीके से इसको हल्की सी प्रेस करते हुए यहाँ पे सेट कर लेंगे ताकि तीनों पीस हमारे बिल्कुल बराबर रहें। प्रेस आपने तेज नहीं फेरनी है ऊपर से, क्योंकि ये आपस में पेस्ट हो जाएगी। सिर्फ हमने हल्की सी सेट करने के लिए ही यहाँ पे प्रेस इस्तेमाल करनी है। अब हमें यहाँ पे एक निशान लगाना है ब्रॉड लेंथ वाला। यहाँ पे सबसे पहले हम बिल्कुल सीधा निशान लगाएंगे ऊपर की साइड इस प्रकार से। उसके बाद हम यहाँ पे ब्रॉड लेंथ लेंगे। ब्रॉड लेंथ यहाँ पे लेंगे तकरीबन हम 5.5 से 6 इंच। अब यहाँ पे डीप देखेंगे, लेंथ हमने जितनी भी रखनी है 11.5 से 12 इंच, तो हम यहाँ पे 12 इंच पे इस प्रकार से निशान लगाते हैं। और यहाँ पे भी हम सीधा निशान इस तरीके से करते हुए ऐसे, और यहाँ पे भी 5.25 इंच पे इस साइड निशान लगाते हैं इस प्रकार से। इस निशान को ऊपर वाले निशान से जोड़ लेते हैं इस प्रकार। अब दोस्तों, हम यहाँ पे इन निशानों के ऊपर कटिंग कर लेते हैं। अब ये 3 पीस हो गए हमारे बराबर साइज के, 3 पीस हमारे बराबर साइज के हो गए हैं। अब हमें यहाँ पे एक निशान लगाना है जो कि हम इस प्रकार लगाएंगे। यहाँ से तकरीबन हम लेंगे 3.5 इंच, आप 3 इंच, 3.25 इंच या 3.5 भी ले सकते हैं। ये आपकी इच्छा है कि आप कितनी यहाँ पे नोक बनाना चाहते हैं। इस प्रकार हमने ये यहाँ पे निशान लगाया है। इस निशान के ऊपर हम कट कर लेते हैं। ये पीस हमें सिंगल कट करना है इस प्रकार से। ये हमने सिंगल पीस कट किया है इस प्रकार का। अब हमें यहाँ पे निशान लगाना है तकरीबन 1.25 इंच का इस साइड। इस साइड भी 1.25 इंच का निशान लगाएंगे। ये दोस्तों जो मैंने यहां पे निशान लगाए हैं, ये निशान हमें दूसरी साइड लगाने हैं इस साइड 1.25 इंच के ऊपर। मैंने गलती से इधर लगा दिए थे, लेकिन इधर नहीं, ये निशान हमें इस साइड लगाने हैं।
और यहाँ पे हम इस प्रकार से लाइन लगा लेते हैं बिल्कुल सीधी इस तरीके से। अब हमें एक निशान लगाना है ऊपर की साइड 1/4 इंच, इस प्रकार से हम कपड़े पे लगा लेते हैं और यहाँ पे रखते हैं इस पीस को इस प्रकार से। और यहाँ पे हम इस तरीके से निशान लगाते हैं। अब हम इन निशानों के ऊपर भी सिंगल पीस कट करते हैं, जो हमारे पास सिंगल पीस है। एक पीस अभी हमने कटिंग नहीं करना है, इस प्रकार ये हमारा एक पीस और कटिंग हो गया। एक सबसे बड़ा है ये वाला, एक इससे छोटा आएगा ये वाला, जो कि हमें यहाँ पे ऊपर की साइड लगाना है। अब जितना गैप हमारा यहाँ पे है, ये वाला गैप हमारा यहाँ पे है, इतना ही गैप रखते हुए हमें ये वाला पीस कटिंग करना है। यहाँ पे भी इस पीस को हम इसी तरीके से रखते हुए कटिंग करेंगे। इसमें हमें इससे भी कम, जितनी हमने ये पट्टी की चौड़ाई रखी है यहाँ पे इस प्रकार से, तो यहाँ पे हमारी डबल पट्टी की चौड़ाई हो जाएगी। सबसे पहले हम सेम इसी साइज का कट कर लेते हैं। अब हम यहां से इतनी ही कम चौड़ाई रखेंगे, इस प्रकार से निशान लगा लेंगे। और यहां पे कटिंग करेंगे। दोस्तों तीन पीस हमने कटिंग कर लिए हैं, ये देखो ये हमारा सबसे बड़ा पीस हो गया, फिर ये हमारा सबसे ये बीच वाला पीस हो गया, और ये सबसे छोटा पीस हो गया। यहाँ पे हमारे तीन पीस हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहूंगा, यहाँ पे ये पीस हमने ऊपर की साइड लगाना है, सबसे नीचे ये रहेगा, ये इसके ऊपर रहेगा यहाँ पे इस प्रकार से, और ये रहेगा इसके ऊपर इस प्रकार से, और नीचे की साइड जो हमें गैप रखना है यहाँ पे बराबर होना चाहिए, और साइडों में भी हमारा गैप बराबर होना चाहिए, इस प्रकार की हमें यहाँ पे ये कटिंग करनी होती है इस तरीके से। तो तीनों पीस दोस्तों जैसे हमने ये कटिंग कर लिए हैं, अब हमें इन्हें पेस्ट करना है। सबसे पहले हम जो सबसे बड़े वाला पीस है हमारा, इसको करेंगे हम जो हमने प्लाजो वाला फैब्रिक यूज करना है ये वाला, और सबसे छोटे वाला पीस भी हम इसके ऊपर पेस्ट करेंगे। और एक चीज मैं आपको बता दूं, जो हमारा सेंटर वाला पीस है ये करेंगे हम सेम जो हमारी कमीज वाला कपड़ा है कुर्ती वाला, इसके ऊपर पेस्ट करेंगे। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, आपने इस तरीके से तीन पीस कटिंग करने हैं बड़े छोटे, इनकी लंबाई चौड़ाई आप अपने मुताबिक रख सकते हैं, जितना आपको जितनी आपकी इच्छा हो कम ज्यादा कर सकते हैं, यहाँ से भी कम ज्यादा कर सकते हैं, और इसकी लंबाई भी आप कम ज्यादा कर सकते हो। सिर्फ मैंने एक तरीका बताया है आपको इस तरीके से तीन पीस कटिंग करने का। आप किसी पैटर्न पे कटिंग करके उसके बाद भी काट सकते हो, ये आपकी इच्छा है कि आप किस तरीके से इनको काटना चाहते हो। जैसे मैंने कटिंग की है आप ऐसे भी कर सकते हो, और इसके और भी कई तरीके होते हैं जैसे आप कटिंग करना चाहते हो। तो अब सबसे पहले हम पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों इस प्रकार से हमने तीनों पीस अपने पेस्ट कर लिए हैं, ये सबसे बड़े वाला होगा, इसके बाद ये छोटा, और ये हमारा सबसे छोटा पीस होगा। अब मैं आपको स्टिचिंग दिखाता हूँ। यहाँ पे दोस्तों स्टिचिंग में सबसे पहले हमें क्या करना होता है, एक एक पीस लेंगे, जैसे हमारे पास ये तीन पीस हैं, तो इन पीसों के साथ का ही हमने एक एक कपड़ा एक्स्ट्रा कटिंग किया हुआ है इसी साइज का सेम इस प्रकार, क्योंकि हमें इस इनको पलटना है, हमें इन्हें पलटना होता है। पलटने के लिए नीचे की साइड हम कपड़ा रखेंगे, और ऊपर की साइड जो हमारी ये पेपर पेस्टिंग है इसके साथ साथ सिलाई लगाएंगे। Thank you.
एक पैर का मार्जिन रखते हुए कटिंग करेंगे। अब हमें यहाँ पे इनको पलटना है बीच से, इस प्रकार से नोक निकालते हुए। इस प्रकार का दोस्तों हमने यहाँ पे पीस अपना पलट के तैयार कर लिया है। नोक भी हमारी अच्छे से यहाँ पे निकल आती है। अब हमें जैसे दो पीस और बचते हैं, दोनों पीसों को भी इनको भी इसी प्रकार का तैयार करना है पलटते हुए। यहाँ पे दोस्तों तीनों पीस हमने इस प्रकार से पलट लिए हैं, इस तरीके से। अब हम सबसे नीचे रखेंगे सबसे बड़े वाला पीस, फिर उसके ऊपर रखेंगे यहाँ पे छोटे वाला पीस, और यहाँ पे बराबर गैप रखेंगे इन साइडों का इस प्रकार से। उसके बाद रखेंगे हम यहाँ पे सबसे छोटे वाला पीस, बराबर गैप का ध्यान रखते हुए हमने ऊपर नीचे इन पीसों को रख लिए हैं। अब हम यहाँ पे एक सेंटर में सिलाई लगाते हैं, जिससे कि ये हमारे इधर उधर ना हो, तीनों पीस एक लाइन में रहे। अब हम कमीज का फ्रंट लेंगे। यहाँ पे हम कमीज का फ्रंट ऊपर की साइड सीधी साइड रखेंगे, और ऊपर से यहाँ इन पीसों को सेंटर का ध्यान रखते हुए इस प्रकार से बिल्कुल सेंटर में हमें यहाँ पे सिलाई लगानी है। इस प्रकार दोस्तों हमने यहाँ पे सेंटर की सिंगल सिलाई से अटैच कर लिए हैं। अब मैं आपको बताऊंगा हमने एक पट्टी और लगानी है ऊपर की साइड। ये पट्टी हम तकरीबन 1.25 से 1.5 इंच चौड़ाई वाली रखते हैं। यहाँ पे मैंने ये पट्टी तैयार की हुई है इस प्रकार से, नीचे की साइड हमारी नोक होंगी इस प्रकार। हमें यहाँ पे देखना है हमें डीप गला कितना रखना है। जैसे बोट नेक है तो हम तकरीबन 3.25 या 3.5 इंच रखेंगे यहाँ पे, तो 0.5 इंच या 0.75 इंच हम ऊपर की साइड पट्टी रखते हुए इस प्रकार से बिल्कुल सेंटर में, यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में इस प्रकार से रखेंगे और एक निशान लगा लेंगे। अब हमें यहाँ पे ऊपर से सिलाई लगानी है। सिलाई इस बार हम यहाँ पे सेंटर की नहीं लगाएंगे, एक पैर चौड़ाई वाली लगाएंगे साइड से। ये हमारी पट्टी इस तरीके से लगेगी जैसे कुर्ता पट्टी होती है, इस प्रकार की यहाँ पे ये फिनिशिंग आएगी। इस प्रकार दोस्तों हमने यहाँ पे पट्टी अटैच कर ली है।
और इसी पट्टी से हमारी ये तीनों पीस इस तरीके से अटैच होते हैं, यहाँ पे इस प्रकार से। आपने इनमें कोई सिलाई नहीं लगानी होती, ये हमारे पीस इसी तरीके से रहेंगे। जब ये कुर्ती डाली जाएगी तो यहाँ पे इस तरीके से पीस इसी प्रकार पड़े हुए रहते हैं, तो इनकी बहुत ही सुंदर खूबसूरती नजर आती है। अब हमने यहाँ पे ऊपर की साइड सिलाई लगानी है और फिर गले की कटिंग करनी है। यहाँ पे दोस्तों ऊपर की साइड हमने ये सिलाई कंप्लीट की है। अब इसको हम यहाँ पे इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे और यहाँ पे क्योंकि हमें गले की कटिंग करनी है, और यहाँ से हम सबसे पहले ब्रॉड लेंथ देखते हैं। जैसे हमें यहाँ पे रखनी है 9.5 से 10 इंच, तो हम यहाँ पे 9.5 पे निशान लगाएंगे इस प्रकार, और डीप रखना है हमें 3 से 3.5, तो हम यहाँ पे इस प्रकार 3.25 या 3.5 पे निशान लगाएंगे। यहाँ पे हम इस तरीके से बोट नेक की शेप देते हुए निशान लगाएंगे और फिर इन्हीं निशानों के ऊपर कटिंग करेंगे। कपड़ा थोड़ा मोटा हो जाता है, मोटाई ज्यादा हो जाती है, तो आपने यहाँ पे ध्यान से कटिंग करनी है। एक बार में अगर कटिंग सही नहीं आती तो आप इसको इस प्रकार ओपन करके दोबारा से भी कटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों मैंने ये कटिंग अपनी कंप्लीट कर ली है। अब सबसे पहले हम यहाँ पे सिलाई लगाते हैं। इस प्रकार दोस्तों हमने यहाँ पे जैसे गले की कटिंग कर ली है, उसके बाद ऊपर से हमने यहाँ पे ये सिलाई लगा ली है। अब हम नीचे की साइड इस तरीके से रखेंगे फ्रंट को, और यहाँ पे ओरे वाली पट्टी लेंगे, इस प्रकार से उसको डबल फोल्ड करेंगे और एक साइड से हम लगाने की शुरुआत करेंगे इस प्रकार से। यहाँ पे भी हमें एक पैर का दबाव रखना है, ज्यादा दबाव नहीं रखना है, हल्के हाथों से हमने यहाँ पे पट्टी अटैच करनी है। सीधी साइड यहाँ पे इसको इस तरीके से पलटते हुए ऊपर से सिलाई लगाएंगे। इस प्रकार दोस्तों हमने यहाँ पे बोट नेक अपना तैयार कर लिया है। अब जो ये सेंटर की पट्टी होती है, यहाँ पे हम क्रीम कलर वाला जो हमारा पैंट वाला कपड़ा है, इस कलर के यहाँ पे बटन कंप्लीट करते हैं। इस प्रकार दोस्तों हमने यहाँ पे सेंटर की पट्टी में अपने 5 बटन कंप्लीट कर लिए हैं और यहाँ पे हमारा पूरा ये नेक डिजाइन तैयार हो गया है। दोस्तों ये कुर्ती का डिजाइन मेरे ख्याल से आपने शायद पहली बार ही देखा होगा, और पहली बार ही मैंने ये डिजाइन तैयार किया है। बहुत ही सुंदर और यूनिक डिजाइन है हमारा ये। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर व लाइक जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।